एक वक्त था जब दुनिया भारत को सांपों और साधुओं का देश मानती थी। कुछ साल पहले अमेरिका के प्रतिष्ठित अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने भारत के स्पेस मिशन का मजाक उड़ाया था, लेकिन समय बदला और इसरो के चंद्रयान 3 की ऐतिहासिक सफलता ने भारत के स्पेस मिशन का मजाक उड़ाने वाले लोगों के मुंह पर जोरदार तमाचा जड़ा है। स्पेस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भारत के बढ़ते कद का अंदाजा अब इस बात से लगाया जा सकता है कि जो अमेरिका कल तक भारत का मजाक बना रहा था, आज भारत से चंद्रयान 3 की टेक्नोलॉजी शेयर करने की मांग करने लगा है। जी हाँ, ये जानकारी किसी और ने नहीं बल्कि खुद इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो के चीफ एस सोमनाथ ने दी है। इसरो चीफ ने बताया है कि जब चंद्रयान 3 मिशन के लिए स्पेसक्राफ्ट डेवलप किया जा रहा था, तब अमेरिका के एक्सपर्ट्स ने सुझाव दिया था कि इस टेक्नोलॉजी के बारे में भारत को अमेरिका के साथ जानकारी शेयर करनी चाहिए। हाल ही में इसरो चीफ एस सोमनाथ पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की 92वीं जयंती के उपलक्ष्य में अब्दुल कलाम फाउंडेशन के कार्यक्रम में छात्रों को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि समय अब बदल चुका है, भारत सबसे बेहतर रॉकेट्स और दूसरे उपकरण बनाने में सक्षम है, हमारा देश अब बहुत शक्तिशाली है। उन्होंने आगे कहा कि जब हमने चंद्रयान 3 डेवलप किया तो अमेरिका के नासा JPL जेट प्रोपल्शन लेबोरेटरी के वैज्ञानिकों को बुलाया। ये वैज्ञानिक दुनिया के कई रॉकेट्स और कई कठिन मिशनों को अंजाम दे चुके हैं। नासा JPL से 5-6 लोग इसरो हेडक्वार्टर आए थे। हमने उन्हें समझाया कि कैसे 23 अगस्त को चंद्रयान 3 चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। हमने उन्हें अपनी डिजाइन समझाई, ये भी बताया कि हमारे इंजीनियर्स ने इसे कैसे बनाया। हमने उन्हें ये भी बताया कि हम चंद्रमा की सतह पर कैसे उतरेंगे। सारी बातें सुनने के बाद उन्होंने बस नो कमेंट कहा। नासा JPL की टीम ने कहा कि सब कुछ बढ़िया होने वाला है। साथ ही उन्होंने चंद्रयान 3 की ये टेक्नोलॉजी अमेरिका से शेयर करने को भी कहा, लेकिन इसरो ने नासा को चंद्रयान 3 की टेक्नोलॉजी शेयर की या नहीं ये अभी नहीं बताया है। आपको क्या लगता है, भारत के इसरो को अमेरिका के नासा को चंद्रयान 3 की टेक्नोलॉजी शेयर करनी चाहिए या नहीं? नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। हमें पूरी उम्मीद है कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी, और जानकारी अच्छी लगी हो तो शेयर के बटन पर क्लिक करके इस अच्छी जानकारी को ज्यादा से ज्यादा लोगों में फैलाएं, जिससे आपके दोस्त और रिश्तेदार भी कुछ अच्छा सीख पाएं। साथ ही आप भी वीडियो को लाइक जरूर करके जाएं, आगे भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आती रहेंगी, इसलिए अपडेटेड रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन जरूर कर लें। जल्द मिलेंगे ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के साथ और आपको कुछ अच्छा सिखाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।